दोस्तों यहाँ पर मुंबई यूनिवर्सिटी है और यहाँ पर मुंबई का राजाबाई क्लॉक टावर है, उसकी हिस्ट्री जानेंगे और कैसे बनाया गया था। दरअसल में ये जो टावर है अंग्रेजों के द्वारा बनाया गया था, लेकिन इसका जो नाम है ये एक हमारे भारतीय के नाम पर रखा गया है। इसके पीछे की कहानी क्या है और कैसे ये बनाया गया था, क्यों बनाया गया था, ये सारी चीजें हम देखेंगे। मुंबई के राजाबाई क्लॉक टावर को 2018 में वर्ल्ड हेरिटेज सूची में शामिल कर लिया गया है। दोस्तों जब अंग्रेजों ने इसका निर्माण किया उस समय भारत के ही मुंबई के एक स्टॉक ब्रोकर प्रेमचंद रायचंद ने इसके निर्माण में विशेष आर्थिक मदद की, लेकिन उन्होंने ये शर्त रखी कि इस क्लॉक टावर का नाम वो अपनी मां के नाम पर रखेंगे तो अंग्रेजों को वो आर्थिक मदद देंगे। इसके चलते अंग्रेजों ने उनकी बात स्वीकार की, उसके बाद इस क्लॉक टावर का नाम प्रेमचंद रायचंद की माता राजाबाई के नाम पर रख दिया गया। दरअसल में राजाबाई अंधी थी, उन्हें दिखाई नहीं देता था, इसलिए इस क्लॉक टावर में घंटी लगाई गई और प्रत्येक 15 मिनट के बाद घंटी बजती है। तो यह क्लॉक टावर के अनुसार उनका मानना यह था कि रायचंद अपनी माता को समय पर भोजन करवा सकेंगे। अब राजाबाई क्लॉक टावर के बारे में मैं आपको बता दूं, ये मुंबई विश्वविद्यालय या मुंबई यूनिवर्सिटी के ग्राउंड के अंदर ही ये शामिल है और वहीं पर इसका निर्माण किया गया है। दोस्तों राजाबाई क्लॉक टावर देखने के लिए आपको कोई फीस या चार्जेज नहीं देने पड़ते हैं। हालांकि यूनिवर्सिटी के अंदर इस क्लॉक टावर के अंदर जाकर आप नहीं देख सकते हैं, क्योंकि पिछले कई दिनों में कई लोगों ने इसके ऊपर चढ़कर आत्महत्या की कोशिश की, इसके चलते पर्यटकों के लिए अंदर जाना बंद कर दिया गया है। अब बाहर रोड से ही आप नज़ारा देख सकते हैं और फोटो क्लिक कर सकते हैं, परंतु मुंबई यूनिवर्सिटी के अंदर इस 85 मीटर ऊंची इमारत के अंदर आप नहीं जा सकते हैं, केवल सड़क के किनारों से ही इसे देखकर इसके साथ अपनी फोटो क्लिक कर सकते हैं। ये बाहर कुछ इस तरीके का बड़ा ग्राउंड है और यहाँ से कुछ इस तरीके से ये दिखाई देता है। इस क्लॉक टावर को जब हम जाते हैं तो ये देखें सामने ये मुंबई यूनिवर्सिटी का गेट है और इस गेट से अंदर यहाँ पर गार्ड आपको प्रवेश नहीं करने देंगे। जब आप अनुमति लेंगे तो वो बोल देंगे आप बाहर से ही फोटो क्लिक कर सकते हैं, अंदर अनुमति नहीं है। तो यहाँ पर ये बहुत ही बेहतरीन डिजाइन के साथ में बनाया गया राजाबाई क्लॉक टावर 1860 के दशक में डिजाइन किया गया था। विशेष रूप से इसका निर्माण कार्य 1869 को शुरू हुआ और 1878 ईस्वी में बनकर ये तैयार हो गया था। इसकी रखरखाव की कमी के चलते समय के साथ साथ इस टावर की बिल्डिंग ने अपनी चमक खो दी, परंतु 2013-15 के बीच योजनाबद्ध तरीके से इसका देखरेख और रखरखाव अच्छे से किया जाने लगा। दरअसल में दोस्तों यह टावर मुंबई विश्वविद्यालय परिसर में शानदार ढंग से खड़ा हुआ इस तरीके से आपको दिखाई देता है। ये यहाँ के स्थानीय पत्थर कुरला के पत्थर से बनाया गया है, जो इस तरीके से भूरे पत्थर के रूप में चमकदार ये पत्थर दिखाई देते हैं। दरअसल में कुछ मूर्तियां भी इस क्लॉक टावर पर बनाई गई हैं। विशेष रूप से क्लॉक टावर पर 24 मूर्तियां बनाई गई हैं, जो ब्रिटिश शासनकाल के दौरान आम भारतीय लोगों के जीवन को चित्रित करती हैं। क्या आपको पता है इस टावर पर लगी घड़ी को लोकप्रिय घड़ी कंपनी लुक एंड बालकली द्वारा डिजाइन किया गया था। आपको एक रोचक तथ्य बताता हूँ, इस क्लॉक टावर के वास्तुकार जॉर्ज गिलबर्ट स्टोक थे, परंतु वो कभी भी भारत नहीं आए। उनकी सलाहकारों के द्वारा ही उनकी सलाह के अनुरूप ये क्लॉक टावर डिजाइन किया गया था, जो बहुत ही बेहतरीन और आकर्षक देखा जा सकता है। यह राजाबाई क्लॉक टावर गॉथिक और वेनिस स्थापत्य शैली का मिश्रण है, जो 85 मीटर ऊंचा और 3.8 मीटर चौड़ा है। इसमें एक विशाल घड़ी भी है जो दूर से दिखाई देती है।
अब यहाँ से आगे चलते हैं। ये पूरा मुंबई यूनिवर्सिटी का ही स्ट्रक्चर है, यही बिल्डिंग है और कुछ इस तरीके से इधर भी ये बिल्डिंग बनी हुई है जो बहुत ही मुंबई की प्राचीन वास्तुकला को दर्शाते हैं।